सब अभय चौटाला साफ तौर पर कह रहे हैं कि पॉलिटिकल हत्या है, क्योंकि नफे सिंह ने पहले ही जो है उनको बता दिया था कि उनकी जान को खतरा है, और जिन लोगों से जान को खतरा था उल्टा उन्हें प्रोटेक्शन दी गई बजाय कि उन्हें प्रोटेक्शन देने की। देखिए, उनको तो बोलने का अधिकार नहीं है। मैंने कल विधानसभा में आंकड़ों सहित बताया कांग्रेस के राज में क्राइम कहां से कहां गया, ऐसी सीमा तक पहुंचा दिया कि उसको पकड़ना के लिए बड़ी मेहनत करनी पड़ रही है, और फिर आगे सीबीआई आएगी वो करेगी, लेकिन हम पकड़ेंगे, बख्शेंगे किसी को नहीं। नफे सिंह राठी का मामला जो है वो तूल पकड़ता जा रहा है, और उस पर बात करने के लिए साहब ये मामला जो है तूल पकड़ता जा रहा है, हालांकि विधानसभा में आपने बहुत सी चीजें स्पष्ट की, लेकिन किस तरीके से जो है ये काम जो है उसे किया? देखिए, वैसे तो हमारी पुलिस सक्षम है, और हमारी पुलिस उसी वक्त इस पर लग गई थी। मैंने उसी वक्त एसपी से बात की, मैंने उसी वक्त डीजीपी से बात की, मैंने उसी वक्त एसटीएफ चीफ से बात की। एसटीएफ ने हमारे बहुत केसेस को पकड़ा है, और लेकिन फिर भी मैंने, ताकि लोगों की तसल्ली के लिए, मैंने इस केस को सीबीआई को दिया। सब अभय चौटाला साफ तौर पर कह रहे हैं कि पॉलिटिकल हत्या है, क्योंकि नफे सिंह ने पहले ही जो है उनको बता दिया था कि उनकी जान को खतरा है, और जिन लोगों से जान को खतरा था उल्टा उन्हें प्रोटेक्शन दी गई बजाय कि उन्हें प्रोटेक्शन देने की। देखिए, अब आरोप तो लगेंगे ही और लगाए जा सकते हैं, लेकिन कोई हो इसमें, मैंने आपको बताया कि बिल्कुल दूध का दूध पानी का पानी कर रहे हैं। विपक्ष भी जो है कानून व्यवस्था को लेकर सवाल उठा रहा है। देखिए, उनको तो बोलने का अधिकार नहीं है। मैंने कल विधानसभा में आंकड़ों सहित बताया कि कांग्रेस के राज में क्राइम कहां से कहां गया, ऐसी सीमा तक पहुंचा दिया कि उसको पकड़ना के लिए बड़ी मेहनत करनी पड़ रही है। ये सारा क्राइम कांग्रेस के राज में पड़ा है। सब पुलिस टीमें गठित की गई हैं, कब तक जो है अपराधियों को पकड़ लिया जाएगा? देखिए, ये अभी नहीं बताया जा सकता, लेकिन पुलिस इसमें काफी हद तक काम कर रही है, और फिर आगे सीबीआई आएगी वो करेगी, लेकिन हम पकड़ेंगे, बख्शेंगे किसी को नहीं। बिल्कुल, ये थे हमारे साथ हरियाणा के गृहमंत्री अनिल विज, जो बता रहे थे कि नफे सिंह राठी मामले में किसी को भी बख्शा नहीं जाएगा और सीबीआई अपना काम करेगी।